औरत जब अपनी जिंसी ख्वाहिश को पूरा करने पर उतर आती है तो वो दो किस्म के मर्दों की तलाश करती है। औरत को जब हम बिस्तरी की तलब होती है तो वो अपनी जरूरत को किन दो मर्दों के साथ पूरा करके जिंसी तस्कीन हासिल करती है। इस वीडियो में आपको इन दो मर्दों के बारे में बताया जाएगा। मर्द को खास तौर पर शोहर को अपनी बीवी के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए कि उसकी बीवी में किस वक्त हम बिस्तरी की ख्वाहिश पैदा होती है। तो जब बीवी हम बिस्तरी के लिए मचले तो मर्द को चाहिए अपनी बीवी की इस जरूरत को पूरा करे, क्योंकि औरत हमेशा अपने मनपसंद मर्द के साथ ही हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश करती है। फ्रेंड्स, ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, तो ब्राय मेहरबानी इनसे कोई गलत मतलब ना लिया जाए। नंबर वन, जब औरत अपनी जिंसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है तो वो बड़े और मोटे नफ्स वाले मर्द को तलाश करती है। वो मर्द जिसका कद लंबा हो तो अमूमन ऐसे मर्द के नफ्स का साइज भी लंबा होता है बनिस्बत छोटे कद वाले मर्द और कमजोर मर्द के। इसलिए हम बिस्तरी की ख्वाहिशमंद औरत भी ऐसे ही मर्द के साथ हम बिस्तरी करना चाहती है, क्योंकि उसके ख्याल में लंबे और मोटे नफ्स वाला मर्द ही उसे हम बिस्तरी के दौरान भरपूर मजा और तस्कीन दे सकता है। नंबर टू, जब औरत अपनी जिंसी ख्वाहिश को पूरा करने पर उतर आती है तो वो ऐसे मर्द को तलाश करती है जो मर्द सेहतमंद और चुस्त हो, क्योंकि ऐसे मर्द की मर्दाना टाइमिंग काफी अच्छी होती है। वो मर्द जो जल्दी थकता नहीं और ना ही औरत के फारिग होने से पहले फारिग होता है, ऐसा मर्द ना सिर्फ औरत की जिंसी ख्वाहिश को पूरा करता है बल्कि उसे बिस्तर पर भरपूर मजा देता है। क्योंकि जो मर्द चुस्त होता है वो अपने नफ्स को औरत की शर्मगाह से बार बार रगड़ कर औरत को बहुत जल्द फारिग कर सकता है और टाइमिंग ज्यादा होने की वजह से बाद में आराम से फारिग हो सकता है। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।